वहीं एमपी में अंतिम चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों पर बारिश और तेज आंधी के चलते वोटिंग की प्रक्रिया प्रभावित हुई। तस्वीरें धार, झाबुआ और शाहजहांपुर की हैं। धार में वोटिंग के बीच मौसम बदला और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जमकर ओले भी गिरे। तो वहीं झाबुआ में अचानक मौसम में आए बदलाव की वजह से कई पोलिंग बूथों पर मतदान प्रभावित हुआ। तेज आंधी के बीच हुई झमाझम बारिश की वजह से मतदान केंद्रों पर लगे टेंट गिर गए। पेटलावाद के कनशाला मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए लगाया गया टेंट गिर गया, तो वहीं थांदला के करंजपारा मतदान केंद्र पर भी टेंट हवा में उड़ गया। शाहजहांपुर में भी तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। कई जगह पर बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे कई मतदान केंद्रों पर पंडाल धराशाही हो गए। इंदौर में भी मतदान के आखिरी दौर में जोरदार बारिश हुई। अचानक मौसम का मिजाज बदला है, तेज बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। आप तक देख सकते हैं यहाँ पर, ये मतदान केंद्र के बाहर का नजारा है। ये यहाँ पर पूरा केंद्र जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पंडाल लगाया गया था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। इसके अलावा पंडाल आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के साथ साथ यहाँ पर ओले भी गिर रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे तस्वीरों में। बारिश के चलते मतदान पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है और जिसके चलते कई मतदान केंद्रों के बाहर इसी तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। विशेष सजावट के साथ ये मतदान केंद्र बनाया जाता है, लेकिन इसकी हालत इस तरीके की हो गई है, ये पंडाल कभी भी गिर सकता है। और कई मतदान केंद्रों के बाहर इसके चलते मतदान प्रभावित हुआ है। सुनील अंसूरिया, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर। वही बुरहानपुर में खंडवा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के वोट डालने के दौरान विवाद की तस्वीरें सामने आई। यहां पर सुरक्षाकर्मी और सांसद प्रतिनिधि आदित्य प्रजापति के बीच वोट डालने को लेकर विवाद और धक्का मुक्की हो गई। जब सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बूथ के अंदर वोट डालने गए तो उनके पीछे उनके समर्थक भी अंदर जाने लगे। इस पर सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोक दिया, जिस पर जमकर विवाद हुआ। हालांकि सांसद समर्थकों ने जब अपनी वोटिंग स्लिप दिखाई तब जाकर मामला शांत हुआ। खंडवा में भी आज वोटिंग हुई। मतदान के दौरान हर वर्ग के लोगों में उत्साह देखने को मिला। युवाओं, बुजुर्गों से लेकर महिलाएं भी वोट करने के लिए पहुंची और मतदान केंद्र पर बने सेल्फी स्टैंड पर सभी ने अपने फोटोज भी क्लिक किए। देख सकते हैं कि मतदान करने के बाद किस तरह से जो है यहाँ पर फोटो भी ली जा रही है ताकि यादों को सहेजा जाए। बात भी करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, कितना बड़ा दिन है आज? आज ना काफ़ी बड़ा दिन है। हम लोगों ने स्वीप प्लान के तहत भी काफ़ी काम किया, मतदाताओं को इतना जागरूक किया है और उसका असर आज आप देख रहे हैं। काफ़ी संख्या में मतदाता बाहर आए हुए हैं। उस शपथ को हमें निभाना है जो हम लोगों ने लोकतंत्र की शपथ पिछले दिनों ली थी। बिल्कुल, उस शपथ को निभाना है। मतदान कर दिया आपने? देखिए, ये मतदान कर दिया है और ये जो निशान है ये आज हर उंगली पर होना चाहिए जो भी मतदान करने की उम्र में है। क्या कुछ कहेंगे, मतदान कितना महत्वपूर्ण? मतदान अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। सर जी, बहुत उत्साह है और जो है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जी। 15 दिन से तबीयत खराब है तब भी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ उत्साह रहा। कुछ नहीं, सबसे पहले सारे काम छोड़ दो, वोट दो। वोट देना बहुत जरूरी है हमारे सबके लिए, इसलिए मैं बोलूँगी कि सबसे पहले वोट दीजिए। युवा क्या सोचते हैं? युवा बस युवा ये चाहते हैं कि विकास हो, काम वगैरह हो।